दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली और अभिषेक शर्मा को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अभिषेक शर्मा ने अपने घर में पंजाब को धूल चटाने के बाद टीम को बेहतरीन बल्लेबाजी से जिताया मैच और फिर बने मैन ऑफ द मैच। उसके बाद खुलेआम विराट कोहली और बेंगलुरु की पूरी टीम को खुली धमकी देते हुए कह दिया कुछ ऐसा जिसको सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आखिर क्यों घमंड में आकर अभिषेक शर्मा ने कोहली को दी खुली चुनौती? कैसे अभिषेक शर्मा ने चींटी की तरह मसलने को कर दी बात? क्यों अभिषेक का बयान सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल? मैन ऑफ द मैच बनने के बाद क्या कुछ बेंगलुरु को धमकी देते हुए कहा, या तो हम आपको अभिषेक के बयान में सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है बेंगलुरु और हैदराबाद में कौन बनेगा इस बार आईपीएल का चैंपियन? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुका है और प्लेऑफ के लिए चार टीमें भी मिल चुकी हैं। जहां कोलकाता नाइट राइडर पॉइंट टेबल में पहले पायदान पर मौजूद है, वहीं हैदराबाद की टीम आज का मुकाबला जीतने के बाद दूसरे पायदान पर मौजूद है। वहीं राजस्थान रॉयल्स तीसरे पायदान पर 16 अंकों के साथ मौजूद है और चौथे पायदान के लिए बेंगलुरु और चेन्नई के बीच जबरदस्त मुकाबला देखा गया। अंत में बेंगलुरु की टीम ने चेन्नई को हराकर अपनी जगह पक्की कर ली, यानी कि यह चार में प्लेऑफ में पहुंच चुकी है। अब तो आए दिन रोमांच देखने को मिल रहा है और सभी टीम बेहद खतरनाक है। हर किसी की निगाहें अपनी फेवरेट टीम पर टिकी हुई है। आपको बता दें, आज का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग के बीच खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब की टीम ने हैदराबाद के सामने 214 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा किया था। इस लक्ष्य का पीछा करते हुए हैदराबाद की टीम ने 6 विकेट खोकर बड़ी आसानी से 19.1 ओवर में इस लक्ष्य को हासिल कर पंजाब को 6 विकेट से करारी हार का स्वाद चखा दिया। आपको बता दें, इस मैच के रियल हीरो रहे अभिषेक शर्मा और उन्होंने अपनी टीम के लिए 28 गेंदों पर 66 रन की पारी खेली और अपनी टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया, जिसके कारण उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। और अवार्ड लेने के बाद वे थोड़े से भावुक नजर आए, लेकिन बयान देते ही उन्होंने आरसीबी को धूल चटाने तक की बात कह दी। यहां तक कि खुलेआम विराट कोहली को धमकी भी दे डाली और उनका यह बयान धीरे धीरे सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। तो चलिए अब हम आपको अभिषेक के बयान को सुनाते हैं, क्या कुछ उन्होंने बेंगलुरु को धमकी देते हुए कहा है। मैन ऑफ द मैच बनने के बाद अभिषेक शर्मा ने बेंगलुरु को खुली धमकी देते हुए कहा कि मैं अपनी टीम को जीत दिलाकर काफी खुश हूं। यह सीजन हमारे लिए बहुत शानदार रहा और मेरे बल्ले से हर मैच में रन निकले हैं। इसके लिए थैंक यू अपने गुरु युवराज सिंह को कहना चाहूंगा। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया और यहां तक कि मैं विराट सर से भी बहुत कुछ सीखा है। मैं सब कुछ उन्हीं को वीडियोस देखता हूं। मैं उन्हें अपना गुरु मानता हूं, लेकिन हमारे सामने फाइनल या सेमीफाइनल में कोई भी टीम आएगी तो हम चींटी की तरह मसल कर रख देंगे, चाहे क्यों ना विराट सर की टीम बेंगलुरु हो। हम किसी भी हाल में इस बार बेंगलुरु को हरा कर रहेंगे और वैसे भी इस बार की ट्रॉफी हमारी है। हमने बहुत मेहनत की अपनी टीम को यहां तक पहुंचाकर, हम जीत कर रहेंगे। वैसे भी मुझे बेंगलुरु की टीम बेहद कमजोर नजर आ रही है। बेंगलुरु की गेंदबाजी लाइन अब बहुत खराब है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से अभिषेक शर्मा ने मैन ऑफ द मैच बनने के बाद कोहली को ही दे डाली धमकी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है अभिषेक शर्मा विराट कोहली में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हैदराबाद और पंजाब के बीच आज हैदराबाद के घरेलू मैदान पर रोमांचक मैच खेला गया, जहां पर इस मैच में पंजाब की टीम के कप्तान सैम करन के जाने के बाद जितेश शर्मा ने टीम की कप्तानी करते हुए टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इस बीच पंजाब की टीम ने सभी को हैरान करते हुए इतिहास में पहली बार एक विदेशी खिलाड़ी के साथ मैदान पर उतरने का फैसला किया, जहां पर पंजाब की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर के अंदर 214 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना दिए थे। जहां पर पंजाब की टीम के लिए सर्वाधिक 71 रनों का योगदान दिया, तो वहीं इस मैच में हैदराबाद की टीम की तरफ से नटराजन ने सर्वाधिक 2 विकेट लिए। हालांकि हैदराबाद की टीम जब बल्लेबाजी के लिए आई, हैदराबाद की टीम के लिए सभी बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए पंजाब की टीम के खिलाफ इस मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की और टॉप 2 के करीब जाने का काम किया। इस बीच हैदराबाद की टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की सलामी जोड़ी मैदान पर आती है, लेकिन ट्रेविस हेड ने पहली ही गेंद पर अर्शदीप सिंह के सामने अपना विकेट दे दिया था, जिसके बाद बल्लेबाजी करने राहुल त्रिपाठी आए। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर काफी ज्यादा अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 72 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की, जहां पर राहुल त्रिपाठी ने 18 गेंदों पर 4 चौके और 2 छक्के की मदद से 33 रनों की पारी खेलने के बाद 5 ओवर में हर्षल पटेल की गेंद पर अर्शदीप सिंह के हाथों कैच आउट होकर अपना विकेट दे दिए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए नीतीश रेड्डी मैदान पर आते हैं। तो वहीं पावर प्ले के अंदर 84 रन 2 विकेट के नुकसान पर आज हैदराबाद की टीम ने बना दिए। इस बीच नीतीश रेड्डी और अभिषेक शर्मा ने मिलकर 57 रनों की साझेदारी की। इस बीच अभिषेक शर्मा ने 8 ओवर में चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, तो वहीं दोनों के बीच महत्वपूर्ण साझेदारी 11वें ओवर में टूट गई थी, जहां पर शशांक सिंह ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए अभिषेक शर्मा को 28 गेंदों पर 5 चौके और 6 छक्के की मदद से 66 रन बनाने के बाद शिवम सिंह के हाथों कैच आउट करा दिया। और ऐसे में अब बल्लेबाजी के लिए हेनरिक क्लासेन आते हैं, जिन्होंने नीतीश रेड्डी के साथ मिलकर 47 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की। लेकिन इस बीच 14वें ओवर में नीतीश रेड्डी को हर्षल पटेल ने 25 गेंदों पर 1 चौके और 3 छक्के की मदद से 37 रन बनाने के बाद शिवम सिंह के हाथों कैच आउट कराया, जिसके बाद अब शहबाज
पास अहमद बल्लेबाजी के लिए आए तो दूसरी तरफ से हेनरिक क्लासन ने तूफानी पारी खेलते हुए लगातार छक्के और चौकों की बारिश करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और हैदराबाद की टीम को शानदार जीत दिलाई। तो दोस्तों, इस मैच में हैदराबाद की टीम की तूफानी बल्लेबाजी को आप उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पंजाब और हैदराबाद के बीच घरेलू मैदान पर रोमांचक मैच खेला गया, जहां पर इस मैच में हैदराबाद की टीम ने टॉस हारकर पहले गेंदबाजी की। इस बीच पंजाब की टीम ने 20 ओवर के अंदर 214 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना दिए और इसका पीछा करने के लिए आई हैदराबाद की टीम ने पावर प्ले के अंदर जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए 84 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना दिए। ऐसे में हैदराबाद की टीम ने इस मैच में लगातार बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए जीत दर्ज की, जिसके बाद दुनिया भर के दिग्गजों का बड़ा बयान सामने आया है। इस बीच हैदराबाद की टीम के लिए नटराजन ने सर्वाधिक 2 विकेट लिए, तो वहीं बल्लेबाजी में अभिषेक शर्मा ने शानदार अर्धशतक लगाया, जिसमें केविन पीटरसन ने बयान देते हुए कहा है कि हैदराबाद की टीम ने इस मैच के अंदर काफी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया है। हालांकि पंजाब की टीम के लिए इस मैच में सभी गेंदबाज और बल्लेबाज ठीक ठाक प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन जिस प्रकार से हैदराबाद की टीम के बल्लेबाजों ने लक्ष्य का पीछा कर सभी को प्रभावित किया है, वो वास्तव में काबिले तारीफ है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि हैदराबाद की टीम की तरफ से इस मैच के अंदर सभी बल्लेबाज और सभी गेंदबाज बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि जिस प्रकार से आज हैदराबाद की टीम के सामने पंजाब की टीम के गेंदबाजों ने खराब प्रदर्शन किया, उसको लेकर चिंता में आना चाहिए। मेरा मानना है कि हैदराबाद की टीम इस बार फाइनल में भी अब पहुंच सकती है। तो वहीं रिकी पॉन्टिंग ने बयान देते हुए कहा है कि हैदराबाद की टीम ने इस मैच के अंदर काफी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया। आज के दिन हैदराबाद की टीम की तरफ से काफी ज्यादा बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली है, साथ में बल्लेबाजों ने भी काफी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सभी को प्रभावित किया और बताया है कि हैदराबाद की टीम पास में काफी ज्यादा बेहतरीन बल्लेबाज और गेंदबाज मौजूद हैं, जो किसी और टीम के पास में नहीं है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि पंजाब की टीम के लिए इस मैच में कोई भी खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाया। हालांकि पंजाब की टीम की शुरुआत बल्लेबाजी में भी काफी ज्यादा बेहतर तरीके से हुई, लेकिन बेहतर तरीके से समापन पंजाब की टीम के बल्लेबाज नहीं कर पाए। तो वहीं शाहिद अफरीदी ने बयान देते हुए कहा है कि पंजाब की टीम के लिए इस मैच में सभी बल्लेबाज हो गेंदबाज हो बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। हालांकि हैदराबाद की टीम ने जिस प्रकार से बेहतर प्रदर्शन किया है, उसके सामने पंजाब की टीम का प्रदर्शन बिल्कुल भी बेहतर नहीं रहा है, लेकिन जिस प्रकार से दोनों टीम के खिलाड़ी आज ठीक ठाक प्रदर्शन कर रहे थे, वो बताता है कि आईपीएल के पास किस तरीके के खतरनाक खिलाड़ी मौजूद हैं। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि आज के दिन पंजाब की टीम के बल्लेबाज काफी ज्यादा बेहतर खेल रहे थे, लेकिन हैदराबाद की टीम के बल्लेबाज दिखे, परंतु हैदराबाद की टीम ने एक बार फिर से बेहतरीन गेंदबाजी और बल्लेबाजी करते हुए पंजाब की टीम को उसकी असली औकात दिखा दी है। तो वहीं हरभजन सिंह ने बयान देते हुए कहा है कि पंजाब की टीम ने इस मैच के अंदर काफी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास किया है, लेकिन जिस प्रकार से पंजाब की टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सभी को प्रभावित किया है, वो बताता है कि पंजाब की टीम के लिए सभी खिलाड़ी किस प्रकार से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि हैदराबाद की टीम के पास में काफी ज्यादा बेहतरीन गेंदबाज और बल्लेबाज मौजूद हैं, जो पंजाब की टीम के पास में नहीं है, और यही कारण है कि आज के दिन हैदराबाद की टीम को बेहतर प्रदर्शन के जरिए जीत मिल गई है। आज हैदराबाद की टीम को शुरू में खराब प्रदर्शन करने के बाद वापसी करने का मौका मिला, जिसके चलते आज उनको शानदार जीत भी मिल चुकी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मैच में हैदराबाद की टीम की जीत के असली हीरो कौन रहे हैं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, चेन्नई और बेंगलोर के बीच खेले गए रोमांचक मैच में बेंगलोर की टीम को 27 रन से मिली जीत के बाद प्लेऑफ में पहुंचने का मौका मिल गया, जिसके साथ चेन्नई की टीम का सफर समाप्त हो चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस मैच में बेंगलोर की टीम ने टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए 218 रन 5 विकेट के नुकसान पर बनाए और इसका बचाव करते हुए चेन्नई की टीम को 191 रन 7 विकेट के नुकसान पर रोक दिया और प्लेऑफ में अपनी जगह बेंगलोर ने पक्की की, जहां पर महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई की टीम के लिए 13 गेंद पर 25 रन का योगदान दिया, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला पाए। इसके बाद काफी बड़ा विवाद पैदा हो गया है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो बताया जा रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी नो बॉल पर आउट थे, जिसे देखते हुए अब भारतीय दिग्गजों का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें सचिन तेंदुलकर ने बयान देते हुए कहा है कि बेंगलोर की टीम के खिलाफ चेन्नई को इस मैच में जीत नहीं मिली है। हालांकि चेन्नई की टीम को इस मैच के अंदर जीत मिलनी ही चाहिए थी, लेकिन जिस प्रकार से चेन्नई की टीम के खिलाड़ियों ने इस मैच में काफी ज्यादा खराब प्रदर्शन किया है, वो वास्तव में निराशाजनक है।
इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि बेंगलोर की टीम के सामने चेन्नई की टीम के खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए था जो आज देखने को नहीं मिला है। मेरा मानना है कि चेन्नई की टीम के लिए इस मैच के अंदर महेंद्र सिंह धोनी को गलत तरीके से आउट दिया गया है। हालांकि इसके बारे में मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर महेंद्र सिंह धोनी नॉट आउट थे तो ये एम्पायर की सबसे बड़ी गलती थी और उनकी मिली भगत थी। तो वहीं सौरव गांगुली ने बयान देते हुए कहा है कि इस बार के आईपीएल के अंदर काफी ज्यादा खराब एम्पायरिंग देखने को मिली है।